मेरे घर वालों के और स्कूल के कारण ही हो पाया है। तो बेटा आपने कक्षा 10वीं तक मैंने सुना है कि आपने सरकारी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। हाँ। ये सब इनके गुरुजनों की और यानों की स्वयं की मेहनत है। हाय नमस्कार एवरीवन, इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सक्सेस की एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, और आज हम एक ग्रामीण परिवेश की प्रतिभाओं ने कक्षा 12 के साथ, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ यानू की, जिन्होंने कक्षा 12 के साथ ही आईआईटी में सिलेक्शन लिया है। इनकी कैटेगरी रैंक है ईडब्ल्यूएस 1357 और तहसील मुंडावर की है। और मेरे साथ आज हम इनके घर पर ही आए हैं पॉइंट खैरतल की टीम के साथ। तो मेरे साथ दादाजी हैं इनके, पिताजी हैं, यानू शोम है, आज़ाद सर हैं। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वो कहते हैं ना कि ग्रामीण परिवेश में कभी भी आपके अगर मेहनत करने वाले आप विद्यार्थी होते हैं और आपको सही मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले बेटा यानू आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब मेरे घर वालों के और स्कूल के कारण ही हो पाया। तो बेटा आपने कक्षा 10वीं तक मैंने सुना है कि आपने सरकारी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। हाँ। आप जरा हमें ये भी बताइए कि कक्षा 12वीं के साथ, क्योंकि सिलेक्शन तो बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन कक्षा 12वीं के साथ जो सिलेक्शन लेना है वो बहुत बड़ी बात होती है, तो कक्षा 12वीं के साथ ही आपने इसको कैसे पॉसिबल किया? टीचर हमें बताते रहते थे उसको फॉलो करके, और घर वालों का सपोर्ट था। तो स्कूल्स के जो टीचर्स हैं आपके खैरतल में, इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल में, वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज़ कैसी है, वो कैसा आपको पढ़ाते हैं, जरा उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से हमें बताइए कि आपको किस प्रकार से, आपने कक्षा 11वीं में फाउंडेशन लिया, फाउंडेशन लेने के बाद आपने 11वीं में क्या सीखा और 12वीं में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? पीपी की फैकल्टी अच्छी थी, जो डाउट था वो तुरंत सॉल्व कर देते थे। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में यानू के पिताजी भी साथ में हैं, मैं माइक पास करना चाहूँगा। सर, बेटी ग्रामीण परिवेश में रह करके भी कक्षा 12वीं के साथ में सक्सेस इसने प्राप्त की है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? ये सब इनके गुरुजनों की और यानू की स्वयं की मेहनत है। तो सर कब आपको कब पता लगा कि मुझे मेरी बेटी को इंजीनियर पॉइंट खैरतल में ही एडमिशन करवा देना चाहिए? करवाना तो इसको कक्षा 9वीं में था, बाकी फिर भी इनके गर्ल स्कूल मुंडा और एमजेएम की टीचरों की रिक्वेस्ट के बाद 10वीं तक यहीं पे रखा। उसके बाद इसको कक्षा 11 में इंजीनियर पॉइंट खैरतल में एडमिशन कराया ये, और इसके ताऊ जी की लड़की वहीं पे ही पढ़ी है, जिसके कारण इसको भी वहीं पे ही कराना उचित समझा। सर बहुत अच्छी बात है कि आपकी बेटी ने कक्षा 12वीं के साथ ही सक्सेस प्राप्त की है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अक्सर ऐसा देखते हैं कि कहते हैं कि नहीं, जो ये आईआईटी डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, गांव से भी अब डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे हैं। जी, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज और क्या आप कहना चाहेंगे पेरेंट्स को कि जो बाहर अपने बच्चों को सीकर कोटा ऐसे भेज देते हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और ये सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से उनसे ये निवेदन करता हूँ कि सब एक बार इंजीनियर पॉइंट की तरफ विचार अवश्य करें। बिल्कुल सर, हमारे साथ संस्था के निदेशक आज़ाद चौधरी सर भी हैं। मैं सर आपसे, मेरा सवाल ये है कि एक मध्यम किसान परिवार से बच्चे और इतनी बड़ी सक्सेस, कैसा लगता है? कभी कभी बैठ करके सोचते होंगे शाम को कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं यहाँ आके मुंडावर में मेरे गुरुजी हैं, यानू के दादाजी हैं, और इन्होंने बच्ची का एडमिशन जो खैरतल कराया, तो मुझे तो बहुत पहले तो ये लगा कि गुरुजी आज कैसे रास्ता भूल गए, कैसे आए। मैं पूछा, बोलो मैं तो स्कूल में एडमिशन कराने आया हूँ बच्ची का, तो बोलिए मेरी पोती है यानू और इसको आपको इंजीनियर बनाना है, आईटी में कराना है। मगर गुरुजी 100% हो जाएगी, बस आप आगे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम उन गार्जियनों को ये कहना चाहूँगा कि एक फेथ होता है, एक पूरे परिवार ने जो हम पे एक विश्वास जमाया। अभी जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि इनके गुड़िया की ताऊ जी के बच्चे दोनों यहीं पढ़े हैं, और अभी वो शायद किसी गवर्नमेंट जॉब में भी लग गए बहुत जल्दी, तो एक विश्वास है कि
कि ये ईपी में हम बच्चों को ले जाएंगे तो उनका कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, और उसी अच्छाई के लिए ही ये लोग आए और आज आईआईटी सक्सेस कर गए। तो वो भी 12वीं के साथ सक्सेस करना, 12वीं में सिलेक्शन देना, ये एक बड़ा पॉइंट है। लेकिन बच्ची की मेहनत, विशेष मेहनत, और ये इतनी होनहार बच्ची है, क्योंकि मैं कई सालों से संस्था चला रहा हूँ, ऐसे बच्चे बहुत कम आते हैं जो इतनी मेहनत, मतलब देर तक पढ़ना, और उसके बाद बस का भी जो आ रही है वापसी छुट्टी के, उसको भी छोड़ देते, लेकिन बोलो नहीं मुझे पढ़ना है तो और देर तक पढ़ना, ये बहुत कम बच्चों में मिलता है। नहीं तो कई तो करते हैं, चलो बस जा रही है, हम तो चले जाएंगे। ये मुंडावर, खैरतल से मुंडावर तक बच्ची पैदल आती थी, वहाँ से फिर बस स्टैंड पे छोड़ते थे, बस स्टैंड से रोडवेज में आती थी, मुंडावर उतरती थी और फिर आती थी। ऐसे महीने में कम से कम 10 या 15 बार कर दी, यानी इसने अपनी तरफ से 100% दिया है, और यही वजह है इस बच्ची का सिलेक्शन होना। हम और हमारी टीम तो कोशिश करते हैं, परिवार का पूरा सपोर्ट है। मैं तो विशेषकर इनके मम्मी पापा और दादा दादी ने जो इनके लिए किया है, गुड़िया के लिए, वो काबिले तारीफ है, और बच्ची ने खुद ने बहुत अच्छी मेहनत की है। मैं इसके लिए विशेष धन्यवाद बच्ची को देना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि जब अपन देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश की जो प्रतिभाएं होती हैं, हुनर तो बहुत में होता है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतना बजट नहीं हो पाता है कि उनको बाहर कहीं छोड़ पाएँ या फिर बाहर पढ़ा पाएँ, क्योंकि बाहर पढ़ाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। पैसा ही नहीं लगता सर, समय भी लगता है, वहाँ कैसे रहना है, बच्चों के साथ टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना है। तो ये जो बच्चे प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में आप ये सुविधाएं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़े काबिले तारीफ है। मेरा अगला सवाल यानो फिर आपसे रहेगा कि जब 12th क्लास में कोई एक ऐसी बात जो टीचर्स की, जो आप अपने छोटे भाई बहनों को बताना चाहें। मेहनत जगह नहीं देखती, मेहनत तो करनी पड़ती है, सफलता तो करने के लिए मेहनत तो जरूरी होती है। मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है कि जब आपका मेंस का जब एग्ज़ाम हुआ था तो हम आपका इंटरव्यू कर रहे थे, तो आपने कहा था कि सर शायद हिचक रही थी कि अभी एडवांस तो होने दो फिर देखते हैं सर, तो मैंने कहा था कि इसको भी सेव करके रखते हैं और जब एडवांस जब आपका क्लियर हो जाएगा तब तो दोबारा से इंटरव्यू करेंगे, कुछ याद है आपको? हाँ। तो अभी आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल था, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, कितने घंटे की आप पढ़ाई करते थे, किस तरीके से आपके भाई बहनों को पढ़ना चाहिए, ज़रा थोड़ा सा उनके भी बताइए। जहाँ टाइम सेव हो सकता है वहाँ करना चाहिए। मैं रोडवेज से आती थी तो रोडवेज का जब तक वेट करती थी तब मैं वो करने पढ़ने लग जाती थी, फिर घर आके तो बच्चा थक ही जाता है तो सो जाओ, और जब नींद पूरी हो जाए तब पढ़ने लग जाओ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब आपको नींद आए सब सो जाओ, जब आपके पास समय रहे तब आप पढ़ो, पढ़ाई का कोई निश्चित समय नहीं होता, लेकिन बस कंडीशन ये है कि आप पढ़ें, आपको समय का यूटिलाइजेशन पूरा करना चाहिए। मेरे साथ मैं फिर से आधा सर आपके पास जाना चाहूँगा कि कितनी दूर से आपने बस फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है, उसके बाद डाउट काउंटर्स भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डाउट काउंटर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जिस समय में हम आप लोग पढ़ते थे तो डाउट काउंटर्स के नाम की चीज़ होती नहीं थी, आज के समय में डाउट काउंटर्स का कितना बड़ा रोल है? नहीं, बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअल में क्या है, बच्चा क्लास में पढ़ता है, घर आकर फिर वापस से पढ़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्वेश्चन ही बहुत हैं और तरह तरह के दिमाग में क्वेश्चन आते भी रहते हैं, फिर उनको सोल्व भी करना होता है, कई जगह वो थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी अटक जाता है बच्चा, और फिर उसका डाउट रहता ही है। जैसे छुट्टी के बाद पूछने की कोशिश करते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन ले जाएंगे तो 5-6 क्वेश्चन को तो वो 5 मिनट में ही ख़त्म कर देते हैं, तो वो डाउट ख़त्म हुआ। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 5-10 मिनट में हो जाएंगे, 2-1 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और फिर बच्चा डीपली भी पूछता है, टीचर को भी ऐसा लगता है कि हाँ बच्चा इस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। अगले दिन उस बच्चे को उसी लेवल के क्वेश्चन एक्स्ट्रा और दे दिए जाते हैं कि बेटा ये और कर लो, ये शायद और बेटर होगा। तो डाउट से क्या है, बच्चे की झिझक खुलती है, बच्चे के क्वेश्चन ज़्यादा करने की उसके में क्षमता आ जाती है, तो डाउट का बहुत फ़ायदा है। क्योंकि अभी हम आपको यानू का स्टडी रूम दिखाते हैं जहाँ से यानू पढ़कर अपनी पढ़ाई स्टडी करती थी। आप बहुत सारे विद्यार्थी जो ये सोचते हैं कि ग्रामीणों गांव में रह करके, ग्रामीण परिवेश में रह करके हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, आप सभी के लिए यानू एक जीता जाता उदाहरण है। विषम परिस्थितियाँ आपके लिए मायने नहीं होती, बस आप में ललक होनी चाहिए सक्सेस की। अगर आप चाहते हैं सक्सेस हमें मिले तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और एक सही टीम और एक सही स्कूल का आपको चयन करना भी उतना ही उसके लिए आवश्यक।
तक होता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यानू का स्टडी रूम। तो आप ये देख सकते हैं कि ये यानू का ये स्टडी रूम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यानू की जो बुक्स की लाइब्रेरी है वो काफ़ी सारी बुक्स की लाइब्रेरी है। बहुत सारी बुक्स यानू ने यहाँ रख रखी हैं। आप सब सोचते होंगे कि कक्षा 12 में इतने सारी बुक्स का कलेक्शन होना, ये तो बेटा ये सारी आपने बुक्स का जो सेटअप कर रखा है, इधर भी मैं बुक्स देख रहा हूँ, आपके बिस्तर के पास में भी इंजीनियर्स पॉइंट की पूरी लाइन लगी हुई है बुक्स की। स्टडी करते तो मटेरियल तो चाहिए ही होता है, उसके लिए बुक्स इम्पोर्टेंट है। तो इंजीनियर्स पॉइंट का जो स्टडी मटेरियल है उसका कितना बड़ा योगदान होता है आपकी सक्सेस में? उसमें पुरानी से लेकर नए क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, वो सबको करना जरूरी होता है, तो हाँ हेल्प करती है। हेल्प करती है। तो यही है आपका स्टडी रूम है पूरा, आप यहाँ से पढ़ाई करते थे? हाँ। ये बहुत बड़ी बात है कि ईपीए ऐसे जो ग्रामीण परिवेश की जो प्रतिभाएं होती है उनको तराशने का एक बहुत ही शानदार कार्य आजा सर कर रहे हैं। मैं आजा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि परिस्थितियाँ, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आपके सक्सेस में बाधा नहीं बन सकती, बस शर्त यह है कि आप उसके लिए एक सही टीम का चयन करें और एक सही मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ें। आपकी पोती का ये स्टडी रूम है, कैसा महसूस कर रहे हो? ओके। तो आपकी बेटी ने, पोती ने सक्सेस प्राप्त की है? हमारी पोती है। बिल्कुल मेरी पोती है, ये बहुत अच्छी। हाँ। माने पिछले लड़के की ये मेरी पोती है। बिल्कुल। तो खुश हैं आप? हाँ जी खुश हैं आप? आपके हाँ बिल्कुल खुश। इसके व्यवहार से इसने जो कुछ भी मतलब हमारा नाम रोशन कर दिया इसने। बिल्कुल बहुत बहुत। एक दादाजी के लिए जिनको सुन भी अच्छे से नहीं सकता, वो कह रहे हैं कि मेरी पोती ने मेरा नाम रोशन कर दिया। तो सोचें एक जो आदमी अपने पूरे जीवन में जो कमाता है वो सोचता है कि मेरे बेटे सफल हो जाएं, उसके बाद सोचता है कि मेरे पोते पोती सफल हो जाएं, तो वो आज जनू ने करके दिखाया। और मैं आप सभी को फिर से कहना चाहूँगा कि प्रतिभाएँ तो हमेशा से ही होती हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन करने का अगर कोई आसपास के क्षेत्र में काम कर रहा है तो वो आपका इंजीनियर्स पॉइंट संस्थान है। धन्यवाद।